हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सपना सोरी, गवर्नमेंट कंगला मांझी कॉलेज डोंडी, क्लास BSc थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ। मेरा सब्जेक्ट है जूलॉजी और प्रेजेंटेशन टॉपिक है एस्केरिस, गाइडेंस बाय आर देशमुख मैम। इसके बाद हम एस्केरिस का क्लासिफिकेशन देखते हैं, जिसमें फाइलम निमेटोडस, क्लास निमेटोडा, ऑर्डर एस्केरियोडिया, जीनस एस्केरिस, स्पेसीज लुम्ब्रिकाइट्स हैं। इसके बाद देखते हैं एस्केरिस क्या है। व्हाट इज़ द एस्केरिस? एस्केरिस एक प्रकार का राउट वर्म है, जो कि एस्केरिस लुम्ब्रिकाइट्स परजीवी कीड़े के कारण होता है, जो राउंड वर्म की एक प्रजाति है। यह कीड़े परजीवी हैं जो कि आपके शरीर पर लार्वा या अंडे से वयस्क परिपक्व कीड़े बनने तक निर्भर रहते हैं, जिसके बाद आपको संक्रमित करते हैं। इसके बाद हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, जिसमें दोनों में माउथ पाया जाता है, स्टेरी पोर पाया जाता है दोनों में। फिर देखते हैं मेल मिलेटरी लाइन, फिर उसके बाद क्लोकल अपर्चर पाया जाता है, पेनिकल स्टेट, उसके बाद कर्व टेल। और फीमेल में देखो तो फीमेल जेनिटल अपर्चर, लेटरल लाइन, एनस, फिर टेल पाया जाता है। फिर हम इसका कमेंट देख लेते हैं। यह विश्वव्यापी प्राणी है। दूसरा, मनुष्य की आंत में अंतः परजीवी के रूप में रहता है। तीसरा, यह मनुष्य में एस्केरियसिस नामक रोग पैदा करता है। चौथा, नर मादा से छोटा होता है। नर में पिछला सिरा नुकीला व मुड़ा हुआ होता है, उत्सर्जन वाला कोशिकाओं द्वारा होता है। सातवां, एक लिंगी प्राणी है। आठवां, जीवन चक्र में द्वितीय परिपोषक जंतु नहीं होते। नौवां, इसे गोल क्रीमी भी कहते हैं। फिर देखते हैं एस्केरियस फैलता कैसे है। छोटे बच्चे अक्सर गंदगी में खेलते हैं और अगर वह अपनी गंदी उंगलियां मुंह में डालते हैं तो संक्रमण हो सकता है। दूषित मिट्टी में उगाए गए बिना धुले फल या सब्जियों का भी एस्केरियसिस अंडे को प्रसारित कर सकती हैं। फिर हम इसके बचाव की थोड़ी दवाइयाँ देख लेते हैं। एंटी परजीवी दवाएं एस्केरियसिस के खिलाफ उपचार में प्रमुख रूप से इस्तेमाल की जाती हैं, जिनमें से निम्न आम है। पहला, एल्बेंडाजोल। दूसरा, आइवरमेक्टिन। तीसरा, मेबेंडाजोल। चौथा, प्रेग्नेंट महिला पायरेंटल पामोएट ले सकती हैं। फिर हम एस्केरियसिस से बचाव कैसे किया जा सकता है ये देखते हैं। एस्केरियसिस के खिलाफ सबसे अच्छी बचाव सबसे अच्छी स्वच्छता और सामान्य ज्ञान है। संक्रमण से बचने के लिए आप निम्न सलाह अपना सकते हैं। पहला, अच्छी स्वच्छता का अभ्यास करें। भोजन को संभालने से पहले हमेशा अपने हाथों को साबुन से और पानी से धोएं। ताज़े फल और सब्जियों को अच्छी तरह धो लें। यात्रा करते समय सावधानी बरतें। केवल बोतलबंद पानी का प्रयोग करें और कच्ची सब्जियों से बचें, जब तक कि आप उन्हें छील कर धो नहीं सकते।